नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ने लग गई है, शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि गरीब और असहाय लोगों के लिए अलाव का इंतजाम किया जाए, लेकिन अलीगढ़ से इसकी उलट ही तस्वीर सामने आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शीतलहर और कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने अलाव जलाने के साथ साथ शेल्टर होम के इंतजाम के निर्देश दिए हैं, ताकि गरीब और असहाय लोगों को इस ठंड से बचाया जा सके। लेकिन अलीगढ़ से इसके उलट ही तस्वीर नजर आ रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्र रसलगंज, माल गोदाम, कंपनी बाग, सराय हकीम आदि इलाकों में बेघर गरीब खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते नजर आ रहे हैं। वहीं यात्री खुले आसमान तले लकड़ियां या कूड़े करकट जलाकर ठंड से राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नजारा अलीगढ़ नगर निगम की पोल खोल रहा है। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि अब कोई भी मजदूर, मुसाफिर, बेसहारा खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सबको नगर निगम के द्वारा लगाई गई वाहन से शेल्टर होम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कड़कड़ाती ठंड में जब सर्वे किया गया और ऐसे लोगों से बात की गई जो आज भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। मजदूर यतन कुमार निवासी हरदुआगंज ने बताया कि मैं मजदूरी पर काम करता है और कभी कभी लेट हो जाता है, तो इसलिए घर नहीं जा पाता, इसलिए उसको अपना बिस्तर खुले आसमान के नीचे लगाना पड़ता है। ऐसा है बाबू जी, लेट सेट हो जाते हैं काम धंधा, लेट हो जाते हैं काम करने से, जब रुक जाते हैं साहब यहाँ पर, नहीं बाकी हम सुबह को आते हैं शाम को चले जाते हैं। क्या काम करते हैं? बल्लेदारी करते हैं जी। गाड़ी करते हैं? हाँ जी, गाड़ी तो करते हैं। घर नहीं जा पाते हैं क्या? हाँ जाते हैं, एक दो दिन में बीत जाती है जब जाते हैं। जब किसी वजह से लेट हो, लेट गाड़ी लेट आती है तो लेट लौट पाती है। अच्छा यतन जी, आपको मालूम है कि नगर निगम और सरकार के द्वारा गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, चार गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। नगर निगम कह रहा है कि जो लोग सड़कों पर इस कड़कती ठंड में हम उनको ले आकर शेल्टर होम तक पहुंचाएंगे, वहाँ सारी व्यवस्था है। तो अभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई आया आपको कहने? हमारे को सर अभी कोई पता नहीं है, शाम को हम आते हैं, शाम को चले, शाम को आते हैं। क्या आप यहाँ सो रहे हैं? ऐसा है कि काम देखते हैं 11 बजे तक, गाड़ी नहीं मिलती, जब उसके बाद जाते सोने। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी खिलाने लेबर का काम करते हैं, मजदूरी पर काम करते हैं। सावन वगैरह कट्टा काम रहता है, जो घर नहीं पहुँच पाते हैं, लेट अगर हो जाते हैं काम वगैरह, क्या है लेट हो जाते हैं तो कहाँ सोना पड़ता है आपको? जी मार्केट में चले जाते हैं। और क्या, अभी कहाँ सो रहे हैं आप? सड़क मार्केट नहीं, मार्केट पे इतने आ रहे थे, वहाँ जगह नहीं है, अब कहाँ सो रहे हैं? यही आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस कड़कड़ाती ठंड में आखिर लोगों को निजात कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर नगर निगम और प्रशासन ही इन लोगों से मुंह मोड़ लेगा तो आखिर इन लोगों को राहत कौन देगा? आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।